हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, जिसमें कि बात करेंगे कि रेलवे जेई की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, आरआरबी जेई क्या काम करता है, रेलवे जेई को कितनी सैलरी मिलती है, आरआरबी जेई में ट्रेनिंग पर कितनी सैलरी मिलती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद क्या सैलरी मिलती है, और रेलवे जेई का प्रमोशन कब होते हैं, कितने प्रमोशन होते हैं, और बेसिकली रेलवे जेई क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है रेलवे जेई, इस पर हम चर्चा करेंगे। और रेलवे जेई को क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं रेलवे के अंदर, और रेलवे जेई कितने प्रकार के होते हैं, कितनी ब्रांचों से रेलवे जेई बनते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिए। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि एक भाई ने हर वीडियो के नीचे मेरी के नीचे कमेंट किया था कि भाई रेलवे जेई की वीडियो लाओ, रेलवे जेई के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज मैं रेलवे जेई के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी वीडियो हो, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि रेलवे जेई क्या है। तो दोस्तों रेलवे जेई जो है, रेलवे में जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट पर एक इंजीनियर नियुक्त किया जाता है, जिसे रेलवे जेई कहते हैं या फिर आरआरबी जेई कहते हैं। और दोस्तों जो रेलवे जेई बनाया जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो है आपकी, आपके पास या तो डिप्लोमा हो या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग या बीई या फिर बीटेक आपने की हुई है, तो आप रेलवे इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो ब्रांचेस जो मांगी जाती है इंजीनियरिंग की, वो है आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेली कम्युनिकेशन, आईटी इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इन सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे जेई की पद पर नियुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि रेलवे इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। दोस्तों रेलवे जेई की जो जॉब प्रोफाइल होती है, वो ग्रुप सी की जॉब होती है, और रेलवे में जितने भी जो ग्रुप डी के वर्कर्स होते हैं, वो सभी रेलवे इंजीनियरिंग आरआरबी जेई के नीचे ही कार्य करते हैं, उसके निर्देशों के अनुसार ही ये सभी कार्य करते हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आरआरबी जेई है, तो उसके द्वारा जितने भी जो लाइन पर जो ग्रुप डी के वर्कर्स कार्य करेंगे, जितने भी निर्देश देगा, वो आरआरबी जेई के द्वारा ही दिए जाएंगे और वो सभी कार्य करते हैं। जैसे कुछ सिविल का आरआरबी जेई से नियुक्त है सिविल से, तो जितने भी ट्रैक पर जो कार्य किए जाएंगे, जितने भी सिविल के जो कार्य किए जाएंगे, ग्रुप डी के व्यक्ति कार्य करेंगे, लेकिन पर निर्देश जेई को देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो, तो ये जो कार्य होता है वो जेई का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं आरआरबी जेई की ट्रेनिंग की। तो दोस्तों आरआरबी जेई की जो ट्रेनिंग होती है, वो एक साल की ट्रेनिंग होती है, और एक साल की जो ट्रेनिंग होती है, उस समय पर भी जेई को सैलरी मिलती है, और जो सैलरी जो मिलती है रेलवे जेई को, वो मिलती है आपको 37 से 38 हज़ार रुपये पर मंथ एक साल तक के लिए। और जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, जब आपको जॉब मिल जाती है, जब आपको पद मिल जाता है जेई का, तब आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों यह आपकी इतने दिन तक, एक साल तक आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं रेलवे जेई की जॉब की। तो दोस्तों रेलवे जेई में जो जॉब होती हैं, वो कितने प्रकार की जॉब होती हैं। तो दोस्तों रेलवे जेई में आपको जो इंजीनियर पाए जाएंगे, वो आपको सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और आईटी इंजीनियर, 6 प्रकार के इंजीनियर आपको बेसिक पाए जाते हैं। और जो दोस्तों बात करते हैं इनकी, जो क्या काम यह करते हैं, सिविल इंजीनियर क्या काम करता है, मैकेनिकल इंजीनियर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम करता है, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर क्या काम करते हैं, ये सभी काम क्या करते हैं। तो दोस्तों जो सिविल इंजीनियर की सबसे पहले बात करते हैं, सिविल इंजीनियर जो काम करता है, जो जितने भी जो ट्रैक हैं, जो पटरियां, जो लाइन्स जो बिछाई जाती हैं, उन लाइन पर जो बिछवाना, उनका जो देख रेख करना, जो ज़मीन ठीक है कि नहीं, कंकर कितने डालने हैं, किस प्रकार से लाइन बिछानी है, कैसे लाइन को मोड़ना है, इन सभी कार्यों को जो देखता है, वो रेलवे जेई के द्वारा काम कराया जाता है। अब दोस्तों रेलवे जेई को कितनी दूरी तक कितना कार्य करना पड़ता है, तो दोस्तों रेलवे जो इंजीनियर है और सिविल जेई जो होता है, उसे 50 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का एक एरिया दे दिया जाता है। इस एक स्टेशन से अगले स्टेशन 50 किलोमीटर की दूरी है, उस तक जो कार्य करेगा एक इंजीनियर कार्य करेगा, एक सिविल जेई को उसका काम सौंप दिया जाएगा। अब इतने एरिया में जितने भी काम होंगे, कभी कंकर को ऊपर करना, कभी कंकर का देख रेख करना, कहीं कंकर नीचे तो नहीं बैठ गए हैं, लाइन की देख रेख करना, लाइन कहीं से बेकार तो नहीं है, कोई भी बिल्डिंग बनवाना, कोई भी बिल्डिंग का कार्य करना, कैसे भी सिविल का जो कार्य होता है, वो एक इंजीनियर के द्वारा किया जाएगा, और जो इंजीनियर अपनी देख रेख में उस काम को करवाता है रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों से। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की।
तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कार्य करता है वो जितनी भी जो लाइन जो होती है, अब दोस्तों आपको पता है जितनी भी ट्रेनें हैं जितनी भी जो गाड़ी हैं वो सभी इलेक्ट्रिकल से चलती हैं, विद्युत से चलती हैं। तो दोस्तों उनकी जो लाइनों को बिछाना, खम्भों को लगाना, कहीं लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है और लाइन सही से चल रही है कि नहीं, कोई भी खराबी हो तो उस खराबी को दूर करवाना, उसको देखना। और जितने भी जो पावर सब स्टेशन जो बनते हैं, जो पावर के जो विद्युत के सब स्टेशन बनाए जाते हैं, उन सब स्टेशनों को बनवाना, उन सब स्टेशनों की देखरेख करना, उन सब स्टेशनों पर कोई खराबी होती है तो उस खराबी को ठीक करना, ये सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कार्य होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर जो काम करता है वो मैकेनिकल इंजीनियर वर्कशॉप में कार्य करता है, क्योंकि उसका कहीं पर बाहर काम नहीं होता। वर्कशॉप मतलब कि यहाँ पर ट्रेन बनती है, यहाँ पर ट्रेन की सर्विस होती है, यहाँ पर ट्रेन की देखरेख होती है, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर कार्य करता है। जैसे कि इंजन में कोई भी उसके इंजन में खराबी आती है तो उस खराबी को ठीक करना, इंजन की देख रेख करना, इंजन सही चल रहा है कि नहीं, उसका ब्रेक का जो मैकेनिज्म है वो सही कार्य कर रहा है कि नहीं, पहियों में सही ग्रीसिंग व्रीसिंग, इतनी भी जो मैकेनिज्म है इंजन से रिलेटेड, सभी ट्रेन से रिलेटेड इतनी मैकेनिज्म का जो कार्य होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर की। तो टेली कम्युनिकेशन जो इंजीनियर होता है वो आपको सिग्नल से रिलेटेड जितने भी सिग्नल देना, यहाँ से यहाँ पर ट्रेन जानी है, यहाँ से ऐसी ट्रेन चलनी है, ये सिग्नल इसका है, वो सभी सिग्नल जो देना कार्य होता है वो सभी सिग्नल के कार्य टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं आईटी इंजीनियर की। जो आईटी इंजीनियर जो होता है रेलवे में जितनी भी वेबसाइट होती है, जितनी भी साइट होती है, जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड जो कार्य होता है उन सभी कार्यों को देखना, उन सभी कार्यों को करना, कहीं पर कोई नेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन प्रॉब्लम को दूर करना, ये सभी काम आईटी इंजीनियर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होता है वो आपने ट्रेनों में देखे हो, जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे होते हैं, जो इंजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे होते हैं, इस स्टेशन पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे होते हैं, उन उपकरणों की देख रेख करना, उन उपकरणों को सही करना, उन उपकरणों की सभी ठीक सही करना और उनको सही से चल रहे हैं कि नहीं, उन सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे जेई की सैलरी की। तो दोस्तों इस रेलवे जेई की जो सैलरी है वो कैसे, कितनी सैलरी होती है, कितनी सैलरी मिलती है रेलवे इंजीनियर को। मैंने दोस्तों आपको ट्रेनिंग पर तो आपको सैलरी बता दी कि ट्रेनिंग पर आपको 37, 36 से 37, 38 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आपको जॉब मिल जाती है ट्रेनिंग के बाद तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों ये आपको जॉब पर जो सैलरी मिलती है वो है आपकी 53,000 से 54,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 53,000 से 54,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। अब दोस्तों इसकी जो बेसिक पे जो होता है, बेसिक पे होता है आपका 36,500 रुपये, 36,500 रुपये आपका बेसिक पे है। और बेसिक पे में आपके बहुत सारे अलाउंस मिलकर आपको जो बहुत सारी सुविधा मिलती है, वो सभी सुविधा मिलकर जो आपको 36,500 से आपकी सैलरी 53,000 से 54,000 रुपये आपकी बन जाती है। दोस्तों उसमें जो डीए मिलता है आपका 3,300 रुपये डीए मिलता है, एचआरए आपको 8,700 रुपये मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 3,900 रुपये मिलता है, आपको एनएचए आपको 700 रुपये मिलता है, और आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, ऐसे ही बहुत सारे अलाउंस मिलकर आपकी 53,000 से 54,000 रुपये सैलरी आपकी बन जाती है। और दोस्तों इस सैलरी के बाद भी आपको एक और सुविधा मिलती है, अगर आप रेलवे में, आपको पता हो कि ओवर टाइम आप अगर 1 घंटे भी ओवर टाइम करते हैं तो आपको उसकी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों आपको ओवर टाइम की भी सैलरी मिलती है, अगर आपने 8 घंटे का आपका कार्य है और आपने 12 घंटे तक अपना काम किया है तो आपको 4 घंटे की सैलरी और मिलेगी, जो कि 250 से 300 रुपये घंटे, जो जितनी भी हर सैलरी के हिसाब से किसी पर 800 रुपये घंटे मिलते हैं, किसी पर 500 रुपये, किसी पर 250 रुपये, अलग अलग जो घंटे के हिसाब से वो आपको दिए जाते हैं आपकी सैलरी में जुड़कर। और आप अगर नाइट में ड्यूटी कर लेते हैं, अगर आपकी नाइट में ड्यूटी करते हो तो आपको नाइट के भी अलग पैसे मिलते हैं। ऐसे ही आपको कहीं पर आप बाहर काम करने जाना, आपका एरिया है 50 किलोमीटर का और 50 किलोमीटर के बाहर भी आपको कार्य करने जाना है, कोई दिक्कत आ गई है तो वहाँ पर भी आपको 800, 900 रुपये या फिर 600 रुपये, 500 रुपये जो उसके हिसाब से मिल जाते हैं आपको उसकी सैलरी पर। तो ऐसे दोस्तों आपकी जो महीने की सैलरी बन जाती है वो आपकी करीब 70 से 80 हज़ार रुपये तक एक जेई की सैलरी पहुंच जाती है, अगर वो मेहनत करता है, अगर वो काम अच्छे से करता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम सब कुछ मिलाकर उसकी सैलरी इतने तक मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे में इंजीनियरिंग से रिलेटेड
और उसके अलावा भी और क्या कार्य करने पड़ते हैं? तो दोस्तों इंजीनियर को और भी कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि सुपरविजन के कार्य, जैसे कि देख रेख करवाना, अपने काम को करवाना लेबर के अनुसार, लेबर हैंडलिंग आपको करना पड़ सकता है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप इस चीज़ के मालिक हैं, आपको इस पर आपको कैसे भी कर कर ये काम आप ही को करवाना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है और आपको नाइट शिफ्ट भी ड्यूटी दे दी जाती है, आपको नाइट में करनी जाती है, तो ये जॉब भी आपको करनी पड़ती है रेलवे जेई में। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे जेई के प्रमोशंस की। तो दोस्तों जो रेलवे जेई का जो प्रमोशन होता है वो आपका 7 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है, यानी कि आपका या तो 7 साल में प्रमोशन हो सकता है, 8 साल में हो सकता है, 9 साल में हो सकता है, कभी भी 7 साल के बाद आपका कभी भी प्रमोशन हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके प्रमोशंस कितने स्टेप में क्या प्रमोशंस होते हैं। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर का पहले होता है आपका SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद आपका असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर होता है आपका डिविजनल इंजीनियर, फिर आपका जो लास्ट में पहुँचता है सीनियर डिविजन इंजीनियर। इतने आपके प्रमोशंस रेलवे में होते हैं दोस्तों। जो जेई के जो प्रमोशंस तक आप पहुंच सकते हैं वो आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक तो सभी जेई पहुंचते हैं, और उसके बाद अगर आपका काम अच्छा है, आपकी जो जितनी भी आपकी जो जॉब अच्छी रही, जो काम रहे और आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपने अगर प्रमोशन अपनी पढ़ाई के बेस पर लिया है तो आपको असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशनल इंजीनियर बनाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं रेलवे जेई की और सुविधाओं की। तो दोस्तों रेलवे जेई में आपको पता है कि रेलवे मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा खास होती है, आपकी पूरी फैमिली को आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है रेलवे की तरफ से। और दोस्तों आपको जो और भी जो सुविधा है, जो घर आपको दिया जाता है रेलवे की तरफ से, ऐसी ही सुविधा आपको दी जाती है। और आप में उसमें जो एक और ख़ास सुविधा है वो है आपकी, जो आपको एक सिम दी जाती है, उस सिम में आपको अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक कॉल फ्री होती है, और आप में उस आपको उसमें नेट फ्री लाइफ टाइम तक दिया जाता है, ये सुविधा आपको रेलवे में दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रेलवे जेई में इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और आपको सैलरी भी रेलवे जेई की बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है, अदर जेई से बहुत ज़्यादा है, और आपको प्रमोशन भी अच्छे टाइम के बाद ही हो जाता है। तो दोस्तों यह है आपकी रेलवे जेई की लाइफस्टाइल और रेलवे जेई की जॉब। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो आपके टॉपिक के हिसाब से लाऊं, तो आप इस कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या बात रेलवे जेई में अच्छी लगी, क्या आपको अच्छा लगा, वो आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए ऐसे वीडियो के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।